रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र बावल में आज सुबह एक युवक का शव मिला है। शव मिलने की सूचना पाकर थाना बावल पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक युवक के नाक से खून बह रहा था। पुलिस ने शव की पहचान की कोशिश की तो मृतक की पहचान यूपी के फतेहपुर निवासी 26 वर्षीय त्रिभुवन के रूप में हुई, जो बावल की निजी कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर काम करता था। फिलहाल सूचना पाकर डीएसपी राजेश कुमार और बावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बावल के नागरिक अस्पताल में शव गृह में भिजवाया गया। मेरा एक एम्प्लॉय था, कल कुछ मिस हैपनिंग हुई है, 5 बजे बाद में ड्यूटी आया यहाँ पे और यहाँ पे इस ग्राउंड में उसके साथ मिस हैपनिंग हुई है। तो सुबह मेरे पास में एक एम्प्लॉय का कॉल गया था कि यहाँ पे इसकी डेथ हो गई है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपका क्या लगता है सर इस मामले में? छीना झिपटी का ही मैटर दिखाई दे रहा है, उसी में वाद विवाद में ही कुछ लग रहा है कि इन्होंने। क्या नाम था सर उसका? त्रिभुवन नाम था लड़के का। कोई आपसी रंजिश थी किसी से? नहीं, ऐसा तो कुछ लगता नहीं कि आपसी रंजिश होगी। किस पोस्ट पे था सर? ये असिस्टेंट इंजीनियर था कंपनी में। कितना समय से काम कर रहा था? ये पिछले 1.25 साल से काम कर रहा था हमारे पास में। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली सर? मेरे को तो एक कंपनी के एम्प्लॉय ने फ़ोन किया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे घटना हुई है, आप आ जाइए। मैं ऑफिस के लिए निकला था सुबह करके। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवक की मृत्यु ब्रेन हेमरेज या किसी अन्य कारणों से हुई होगी। युवक की नाक से खून बह रहा था। फिलहाल असली कारणों का पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चलेगा। ये जो हमारा मंडी के बगल में जो एक ग्राउंड है खाली, इसमें एक लावारिस डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन आई थी, पर अब लोगों ने यहाँ पहचान लिया है। यहाँ बगल में एक ये घर में किराए पे रहते हैं और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। दिसंबर 2020 से ये यहाँ नौकरी करते हैं कंपनी में, और इनका उत्तर प्रदेश का इनका आइडेंटिफाई हो गया है, नाम और एड्रेस भी, परंतु फ़ोन नंबर वो घर वाला भी अभी मिल नहीं रहा, तो हम थाने के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वहाँ लोकल थाना है। बाकी प्राइमरी फेस आई बॉडी पे कोई चोट है नहीं, और जिस तरह से लग रहा है जीभ बाहर निकली हुई है और नाखों से खून आया हुआ, तो ये आमतौर पे ब्रेन हेमरेज या हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं, जैसे FSL के डॉक्टर भी आए थे, उन्होंने भी बताया। बाकी अभी पोस्टमार्टम होगा तो बाकी क्लियर हो जाएगा, घर वालों को भी बताया जाएगा। सर मौके से कुछ जेब ऐसा नहीं है, पैसे तो इनके घर में कमरे में तकिए के नीचे पर्स वर्स सब वहाँ रखा हुआ है, मिल गया है साथ में। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त करवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मृतक के परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। मृतक युवक जिस कंपनी में काम करता था उनके अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और युवक की पहचान रेवाड़ी से राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।